गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज हम हिंदी क्लास में एक वचन और बहुवचन शब्द का रिवीजन करेंगे। हमने एक वचन और बहुवचन शब्द पढ़े हैं, आज हम फिर से उसका रिवीजन करेंगे। एक वचन, जब हम एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उसे एक वचन कहते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन, जब हम एक से अधिक वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जब हम किसी भी एक चीज के बारे में बात करते हैं तो उसे एक वचन कहते हैं। जब एक से ज्यादा किसी चीज या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उसे बहुवचन कहते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। गुब्बारा, गुब्बारा इसका बहुवचन शब्द होगा गुब्बारे। गुब्बारा मीन्स बलून, गुब्बारे। पतंग, पतंगे। पुस्तक, पुस्तके। पंखा, पंखे। नदी, नदियां। थाली, थालियां। तितली, तितलियां। लड़की, लड़कियां। रात, राते। कली, कलियां। इस साइड एक वचन लिखे गए हैं और इस साइड बहुवचन लिखे गए हैं। आई होप आप सबको एक वचन और बहुवचन में अंतर समझ में आ गया हो। एक बार हम इसे फिर से दोहराएंगे। गुब्बारा, गुब्बारे। एक से अधिक गुब्बारा है यहाँ पे, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, गुब्बारे पढ़ेंगे। पतंग, पतंगे। यहाँ पे भी एक से अधिक पतंगे हैं तो हम इसे पतंगे पढ़ेंगे। पुस्तक, पुस्तके। बहुवचन शब्द में एक से अधिक पुस्तके हैं तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, पुस्तके। पंखा, पंखे। नदी, नदियां। थाली, थालियां। तितली, तितलियां। लड़की, लड़कियां। रात, रातें। कली, कलियां। अब इधर देखिए बच्चों, आपको अपनी हिंदी की कॉपी में होमवर्क राइट करने हैं और एक वचन बहुवचन को पढ़ना भी है। मिलान करो, आपको मैच करना है। एक वचन इस साइड लिखे गए हैं और बहुवचन शब्द इस साइड लिखे गए हैं। रात का, रात का बहुवचन शब्द से आप मिलान करेंगे, राते। गुब्बारा का, जहां भी बहुवचन शब्द आपको दिखेंगे उससे मिलान कर दीजिएगा, गुब्बारे। लड़की का, लड़कियां। पुस्तक का, पुस्तके। पंखा, पंखा का, पंखे। नदी का, नदियां। थाली का, थालियां। Have a good day, children.